हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों से बातें करेंगे कि एक भाई ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आप सर ऐसा एक बताइए कि यूट्यूब अपने पॉलिसी को प्रति महीने मतलब कुछ ना कुछ क्यों चेंज करता है, इसका रीजन क्या है और ऐसा क्यों होता है यूट्यूब में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूँ कि यूट्यूब का कुछ ऐसा कोई मतलब पॉलिसी नहीं है कि मतलब वो चेंज नहीं कर सकता है। यूट्यूब कोई भी बंदा अपने प्लेटफॉर्म को चलाता है या आप कोई बिजनेस करते हो दोस्तों, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा के सोचते हो कि इसको मतलब ज़्यादा आगे तक बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से दोस्तों, YouTube भी अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करता जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, वो क्या करता है कि अपने पॉलिसी को कुछ ना कुछ चेंज करता है। दोस्तों, पॉलिसी चेंज करने का सबसे मेन जरिया रीज़न यही है कि यदि कोई बंदा मतलब ऐसे नहीं होते हैं जो हैकर बड़े बड़े मतलब चैनल को हैक कर लेते हैं, छोटे छोटे चैनल को हैक कर लेते हैं जो मोनेटाइज़, इसीलिए दोस्तों YouTube अपने पॉलिसी को प्रति महीना मतलब कुछ ना कुछ चेंज करता है कि उसकी पॉलिसी इतना स्ट्रांग हो कि मतलब कोई बंदा उसे कोशिश करके भी किसी भी बंदे का चैनल हैक ना कर पाए। बट दोस्तों, क्या होता है कि YouTube जीमेल आईडी के थ्रू बनता है और जीमेल आईडी इतना सिक्योर नहीं होता है मतलब दोस्तों, जब तक आप यदि कोई भी मतलब उस पर छेड़छाड़ कर दिए तो आपका मतलब हैक होना ही होना है दोस्तों। तो जो हैकर्स होते हैं वो काफ़ी दिमाग लगा के मतलब आपके चैनल के ऊपर मेल डालते हैं, जैसे आप मेल के लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका चैनल हैक हो जाता है। इसी चलते दोस्तों, YouTube अपने पॉलिसी में प्रति महीना कुछ ना कुछ चेंज करता है कि उसका मतलब जो भी ऑडियंस है, जो मतलब जो चैनल बना के क्रिएटर्स उस पर अपने वीडियोज अपलोड करते हैं, उनके वीडियोज और उनका चैनल सेफ रहे ताकि YouTube भी उस वीडियो से कुछ पैसा कमाए और आप भी मेहनत कर रहे हो तो आप भी कमाओ। इसीलिए दोस्तों, YouTube प्रति महीने मतलब उसको लगता है कि ये चीज़ मुझे चेंज कर देना चाहिए तो वो तुरंत चेंज कर देता है। मतलब इस पर ज़्यादा सोच विचार करके अपने मतलब जो भी इम्प्लॉय बैठते हैं उनसे सोच विचार करके वो YouTube खुद चेंज कर देता है और उसका जो भी पॉलिसी चेंज होता है उसे सभी क्रिएटर्स अपनाते हैं और उसको मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, खासकर जो भाई ने कमेंट किया होगा वो यदि वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके दोस्तों बता देना कि आप लोगों को वीडियो मतलब इससे मतलब आपको पूरा सीख मिल चुका है कि मतलब YouTube क्यों मतलब अपने पॉलिसी को चेंज करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।